आज हम अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग पारंपरिक पोशाकों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में किस तरह के लोग पोशाक जो उनकी पारंपरिक हैं कैसे पहनना पसंद करते हैं, किस तरह की ज्वेलरीज या हेड गियर्स वो लोग पहनते हैं। अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश की पारंपरिक पोशाक हम इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम असम से शुरू करेंगे कि किस तरह से पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है। असम भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों से घिरा हुआ है। असम जो है आपके इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री सॉरी स्टेट्स हैं उनसे घिरा हुआ है। पुरुषों के लिए पारंपरिक पोशाक धोती कुर्ता है, जबकि महिलाओं के लिए मेखला चादर या रिहा मेखला पहनते हैं। जो पुरुषों की पारंपरिक पोशाक है असम में वो धोती कुर्ता है, और वहीं महिलाओं की जो पारंपरिक पोशाक है उसको मेखला चादर या रिहा मेखला कहते हैं। इन नाम की पोशाक वहाँ की महिलाएं पहनती हैं। यह पारंपरिक पोशाक प्रतिष्ठित ड्रेस मुगा सिल्क से बना है, जो कि खासियत है, साथ ही असम का गौरव भी है। जो यह पारंपरिक पोशाक है असम की महिलाओं की, ये एक स्पेशल सिल्क जिसे मुगा सिल्क कहते हैं उससे बनी होती है, जो कि असम की एक खासियत है और असम का गौरव भी है। यानी कि जो वो मुगा सिल्क है वो असम के लोगों के लिए एक गौरव का प्रतीक है। वहाँ के जो पारंपरिक कपड़े मुगा सिल्क से बने होते हैं वो कपड़े उनके गौरव का प्रतीक है। वे दोखारा भी पहनते हैं और सलवार सूट साड़ी आदि जैसी पोशाक भी पहनते हैं। वो लोग दोखारा भी पहनते हैं जो वहाँ की पारंपरिक पोशाक है, लेकिन उसके साथ ही वो लोग सलवार सूट साड़ी इस तरह के जो नॉर्मल कॉस्ट्यूम्स हैं वो भी पहनते हैं। शादी और त्योहारों जैसे बिहू और सरस्वती पूजा जैसे विशेष अवसरों के दौरान महिलाओं को हैंडलूम उत्पाद विशेष रूप से मेखला के वस्त्र पहनने में गर्व महसूस होता है। शादियों के समय पर या फिर जो उनके त्योहार हैं जैसे कि बिहू या सरस्वती पूजा, इस तरह के अवसरों पर महिलाएं जो हैं वो लोग हैंडलूम के कपड़े पहनती हैं, यानी कि हाथ से बने हुए कपड़े पहनती हैं, और विशेष रूप से मेखला के वस्त्र पहनती हैं। उस चीज़ में वो लोग गौरव महसूस करते हैं। बोडो जनजाति की महिलाएं मेखला को चदर के साथ पहनती हैं, जबकि थाई चरण जनजाति की महिलाएं चिरचिन नामक एक गर्दनी पहनती हैं। जो बोडो जनजाति की महिलाएं हैं वो लोग मेखला को चदर के साथ पहनती हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ जो थाई चरण की जनजाति की महिलाएं हैं वो लोग एक तरह का वेस्ट बैंड पहनती हैं, जिसको जो धारीदार होता है और उसको चिरचिन कहते हैं। असम के मेन फोकल द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक सुरिया या धोती और कमीज या शर्ट है, और इसके ऊपर सेलेंग नामक एक चादर फैला हुआ है। असम के जो मेन फोकल लोग हैं वो लोग जो पारंपरिक पोशाक पहनते हैं वो सुरिया या धोती और कमीज या शर्ट इस तरह का पहनते हैं, और उसी के ऊपर एक सेलेंग नामक का एक चादर वो लोग अपने ऊपर डाल लेते हैं। फिर आता है आपका बिहार का, बिहार की पारंपरिक पोशाक। बिहारी लोगों की पारंपरिक पोशाक में पुरुषों के लिए धोती मिर्जई या कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी शामिल है। जो बिहार की पारंपरिक पोशाक है उसमें पुरुषों के लिए धोती मिर्जई या कुर्ता हम कह सकते हैं इस तरह की पोशाक है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक साड़ी है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव ने बिहार के लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया है, जहाँ महिलाएं साड़ी या कमीज सलवार पहनना पसंद करती हैं। जो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आया है ब्रिटिशर्स के टाइम से, उसकी वजह से बिहार के लोग भी प्रभावित हुए हैं। इसीलिए वहाँ की जो महिलाएं हैं वो लोग साड़ी या फिर कमीज सलवार भी पहनना पसंद करती हैं। साड़ी को पारंपरिक रूप से
सेधा आंचल शैली में पहना जाता है। साड़ी को वो लोग ट्रेडिशनली जो उनका पारंपरिक रूप है एक साड़ी का, वो सेधा आंचल स्टाइल है। इस स्टाइल में वो लोग अपनी साड़ी को पहनते हैं पारंपरिक तरीके से। पश्चिमी शर्ट और पतलून भी ग्रामीण और शहरी दोनों पुरुषों की आबादी में बहुत लोकप्रिय हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग शर्ट पैंट भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो, शर्ट पैंट भी वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं पहनना। अब आता है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पोशाक। छत्तीसगढ़ भारत का एक केंद्रीय राज्य है। छत्तीसगढ़ जो है भारत के मिड में बसा हुआ है, भारत के बीच में बसा हुआ है, एक केंद्रीय राज्य है। यह संस्कृति, विरासत और विभिन्न जातियाँ सेट्स की विशाल विविधता से समृद्ध है। छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग विरासतों से लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियों के सेट्स हैं जो वहाँ रहते हैं। इन सब चीज़ों से छत्तीसगढ़ समृद्ध है। छत्तीसगढ़ जनजाति के लोग चमकीले और रंगीन कपड़े पहनते हैं। जो छत्तीसगढ़ जनजाति के लोग हैं वो लोग बहुत ब्राइट और बहुत कलरफुल कपड़े पहनते हैं। उन्हें अपनी गर्दन पर पहने गहने पहनना बहुत पसंद है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पोशाक महिलाओं के कपड़े कुचौरा शैली की साड़ी है। जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पोशाक है, जो महिलाओं की साड़ी है पारंपरिक, वो उसको वो लोग कुचौरा स्टाइल है एक वहाँ का साड़ी पहनने का, उस स्टाइल में पहनते हैं। उनकी साड़ी घुटनों लंबाई की है। जो वो साड़ी होती है कुचौरा स्टाइल की साड़ी, वो नी लेंथ की होती है। आदिवासी समूहों के पुरुष धोती पहनते हैं और सूती पगड़ी की तरह सिर को ढकते हैं। जो आदिवासी समूह के पुरुष हैं वो लोग धोती के साथ साथ अपना सिर ढकने के लिए सूती कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल किए गए कपड़े लिनन, रेशम और कपास हैं। ज़्यादातर वहाँ के जो पारंपरिक पोशाक है आदिवासी समूहों की, वो लोग लिनन को यूज़ करते हैं या फिर सिल्क यानी कि रेशम को यूज़ करते हैं और कपास यानी कि कॉटन को यूज़ करते हैं। कपड़ों में इस्तेमाल होने वाली उनकी टाई एंड डाई तकनीक को बाटिक कहा जाता है। कपड़ों में जो वो लोग टाई एंड डाई की टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे बाटिक कहते हैं। आप लोगों ने टाई एंड डाई की टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं अपने सेकंड ईयर में, तो वही टाई एंड डाई की टेक्निक जिसको हम बाटिक कहते हैं उसको वो लोग कपड़ों में इस्तेमाल करते हैं। अब आता है आपका गोवा, गोवा के पारंपरिक कॉस्ट्यूम्स। गोवा का समुद्र तट राज्य अन्य भारतीय राज्यों से बहुत अलग नहीं है जहाँ तक उनकी पारंपरिक पोशाक का संबंध है। जो गोवा का समुद्री इलाका है, समुद्री तट का जो राज्य है ये गोवा, यहाँ के लोगों की जो पारंपरिक पोशाक है वो और राज्यों की पारंपरिक पोशाक से बहुत अलग नहीं है, बहुत डिफरेंट नहीं है। जहाँ महिलाएं नवधारी नामक पत्थर से बनी 9 गज की साड़ी पहनती हैं, वहीं पुरुष हाफ के साथ हाफ पैंट और बीच शर्ट के साथ इसे कैजुअल रखते हैं। जो महिलाएं हैं वहाँ की, वो लोग एक नववारी नाम के स्टोन से बनी 9 गज की साड़ी पहनती हैं। एक स्टोन का नाम है नववारी। उस स्टोन से पूरी की पूरी वो साड़ी डेकोरेटेड होती है, जो साड़ी 9 गज की होती है वो 9 गज की साड़ी पहनते हैं। और पुरुष जो है वहाँ की हाफ पैंट हाफ शर्ट पहनते हैं और अपना लुक जो है कैजुअल रखते हैं। गोवा की महिलाएं भी पानो भजू नामक पारंपरिक पोशाक पहनती हैं, जिसमें एक ब्लाउज के नीचे पहना जाने वाला सारंग या लुंगी है और उन पर सुरम्य गोवन समुद्र तटों पर धूप में भीगने के लिए एकदम सही पोशाक है। गोवा की जो महिलाएं हैं वो लोग एक पानो भजू नामक एक पारंपरिक पोशाक भी पहनते हैं। उसमें क्या होता है कि ऊपर वो लोग ब्लाउज़ पहनते हैं और नीचे सरोंग पहनते हैं। सरोंग आपको मैंने पहले भी बताया है क्या होता है, फिर से बता देती हूँ। सरोंग आपका एक पीस ऑफ क्लोथ है जिसे
कमर पर महिलाएं बांध लेती हैं और एक तरफ उसमें गांठ लगा देती हैं, उसको सेरोंग पहनते हैं। इस तरह का लुक आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा हुआ होगा जो समुद्री तट पर महिलाएं आमतौर पर पहनती हैं। उसका पहनने का रीज़न ये होता है कि उन लोगों को धूप की सेक लेनी होती है अपने शरीर पर। गुजरात, गुजरात की पारंपरिक पोशाक अपने तरीके से अनूठी है। गुजरात की जो पारंपरिक पोशाक है वो बहुत ही अनूठी है, बहुत ही अलग तरह की पोशाक है। महिलाएं चनिया चोली पहनती हैं। चनियों एक रंगीन पेटीकोट है जिसे कांच के टुकड़ों के साथ कढ़ाई किया जाता है, जबकि चोली एक मोटे कपड़े के साथ एक रंगीन टुकड़ा होता है जो ऊपरी शरीर को कवर करता है। वहाँ की जो महिलाएं हैं, महिलाओं की पारंपरिक पोशाक चनिया चोली है जो आप लोगों ने नवरात्रों के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा देखा हुआ होगा। बहुत कलरफुल कपड़े होते हैं वो, जिसमें चनियों एक तरह की पेटीकोट है, एक तरह की स्कर्ट है जिसे कांच के टुकड़े यानी कि मिरर वर्क के साथ कढ़ाई करते हैं, जबकि जो चोली है वो एक मोटे कपड़े के साथ बनी होती है और बहुत कलरफुल टुकड़ा होता है वो कपड़े का, जिसकी मदद से वो अपने ऊपरी शरीर को यानी कि अपर बॉडी को कवर करते हैं। रंग बिरंगी पोशाक के साथ महिलाओं ने शानदार आभूषणों से खुद को सजाया हुआ है। कलरफुल पोशाक के साथ वहाँ की महिलाएं बहुत ही सुंदर तरीके से आभूषण भी पहनती हैं। पुरुष क्रोनो और केड़ियो पहनते हैं, लेकिन आजकल पारंपरिक परिधान पहनने के बजाय लोग आधुनिक परिधान पहनते हैं। जो पुरुष हैं वो लोग क्रोनो और केड़ियो पहनते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है हर स्टेट पर हावी हुआ है, इसीलिए वहाँ के लोग भी पारंपरिक परिधान पहनने की बजाय जो आधुनिक परिधान है जैसे कि पैंट शर्ट जीन्स ट्राउज़र्स, इस तरह के कपड़े वहाँ के लोग भी पहनना पसंद करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे के स्टेट्स। ये आपके इतने ही स्टेट का लेक्चर ख़त्म होता है।